तो आप फ्लाइट में जर्नी करने की सोच रहे हो, या तो फ्लाइट में जर्नी करने कर लिए हो, या तो फ्लाइट में जर्नी करने वाले हो, तो इस वीडियो में जरूर आया होंगे। वीडियो में आज यही बताऊंगा कि अगर चेक इन बैग हैंड बैग, इसमें चेक इन बैग के बारे में बताऊंगा नहीं, हैंड बैग के बारे में बताऊंगा कि हैंड बैग वो होता है जो फ्लाइट में हम जर्नी करते हैं, जो अपने साथ लेकर फ्लाइट में जाते हैं, जो अपने साथ लेके हम फ्लाइट में जाते हैं, उस फ्लाइट में हम बैग में क्या नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। और 99% क्या 110% बोलता हूं कि इसमें ऐसे कुछ बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगा। अगर आपने फ्लाइट में जर्नी किया होगा तो भी आपको कुछ आइटम्स होंगे जो आपको नहीं पता होगा क्या चीज नहीं ले जाना चाहिए। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, पूरा यहाँ पे बता दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि इस वीडियो में पूरी जानकारी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो यहाँ पे मैं उतना ही बताऊंगा जितना हो सके, ठीक है। तो 6-7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, तभी आप फ्लाइट में जर्नी करने की सोचिएगा। अगर आप गलती से कुछ ऐसी जो सामान है फ्लाइट में नहीं ले जाना है और उसको आप लेके जाते हैं, तो आप वहां पे प्रॉब्लम में फंस जा सकते हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैंने लिस्ट बनाया है, लिस्ट में आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, लिस्ट बहुत देर के बाद इसको मैं बनाते बनाते बहुत सर्च किया हूँ, हर एयरलाइंस के बारे में सर्च किया हूँ, तब मुझे जाके कुछ ऐसे लिस्ट मिले हैं, तो आपको वहां पे बता देता हूँ। तो देखिए, आपको चेक इन बैगेज और हैंड बैगेज, और चेक इन बैगेज दो होता है। चेक इन बैगेज जो ट्रॉली बैग होता है, जो हम जमा कर देते हैं, ठीक है, काउंटर पे हम जमा कर देते हैं, उसको चेक इन बैग बोलते हैं। हैंड बैगेज आपको पता होगा, जो हम हाथ में लेके जाते हैं फ्लाइट में लेकर उसको चढ़ते हैं, उसको हम चेक इन बैगेज करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए बता दूं, तो देखिए मैं यहां पर बता दूं, चेक इन बैग के बारे में नहीं बताऊंगा आज, मैं हैंड बैगेज के बारे में बताऊंगा। तो हैंड बैगेज में आपको क्या ले जा सकते हैं बता, नहीं ले जा सकते सॉरी। तो सबसे पहले आप रस्सी नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि रस्सी हम ले लें, यहां से हम रस्सी ले लें, और रस्सी के माध्यम से हम कहीं पर जो नए जगह पर हम जाते हैं, तो सोचते हैं वहां पर कपड़े ऊपर सुखाने के काम आएंगे, तो रस्सी हम वहां पर ले लेते हैं, तो आप बिल्कुल वहां पर रस्सी नहीं लेके जा सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि आप रस्सी इसलिए बोलती है, एयरलाइंस बोलती है कि आप रस्सी के माध्यम से हो सकता है किसी फ्लाइट में किसी का कुछ भी कर सकते हो, गलत काम भी कर सकते हो रस्सी के माध्यम से, इसलिए रस्सी आप वहां पर लेके नहीं जा सकते हो। आपको देखिए वहां पर बता दूं, स्पोर्ट्स का कोई भी सामान आप वहां पर नहीं लेके जा सकते हो। जैसे मैं कुछ नाम बता देता हूं, यहाँ पे जान लीजिए, जैसे हो गया फिशिंग रॉड हो गया, फुटबॉल हो गया, रैकेट हो गया, हॉकी हो गया, गोल्फ हो गया, फुटबॉल, यहाँ पे ये भी बताऊंगा फुटबॉल फुला हुआ नहीं लेके जा सकते, लेकिन अगर फुटबॉल को हवा निकाल के ले जाएंगे तो आप उसको बिल्कुल ले जा सकते हैं। ऐसा क्यों, इसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा दोस्तों, कि अगर फुटबॉल को मतलब हवा निकाल के ले जा सकते हैं, लेकिन फुला हुआ फुटबॉल लेके नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, इसके बारे में आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो हमेशा आपको देते रहूंगा, प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहां पर और बता दूं, यहां पर आपको जो मिर्ची पाउडर है, आप उसको मिर्ची कोई भी मसाले हो गया, जो मसाले हो गया उसको आप हैंड बैगेज में लेके नहीं जा सकते हो, आप याद रखिएगा। हैंड बैगेज में आप मिर्ची मसाले को कोई लेके नहीं जा सकते हो। वॉकी टाकी आप हो सकता है, वॉकी टाकी यूज करते होंगे, तो वॉकी टाकी आप बिल्कुल आप फ्लाइट में लेके नहीं जा सकते, अपने हैंड बैगेज में लेके बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों, आपको पता है जितने भी एयरलाइंस के काम होते हैं जो होता है, तो वहां पे आपको वॉकी टाकी वहां पे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बिगड़ सकता है। आपका वॉकी टाकी का जो उनका कम्युनिकेशन चलता है, जो फ्लाइट का ऑपरेटर है उनका जो कम्युनिकेशन है वो बिगड़ सकता है, इसलिए आप वहां पे वॉकी टॉकी ले जाना अलाउड नहीं है। आप वहां पे लाइटर नहीं ले जा सकते हैं, माचिस नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। लाइटर आप छुपा के तो बिल्कुल ले जा सकते हो, लेकिन बिल्कुल आप यहां पर अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ा वहां पर आपको जुर्माना भरना पड़ जाएगा, इसलिए लाइटर आप बिल्कुल और माचिस बिल्कुल नहीं न लेके जाए, ठीक है। केमिकल पाउडर आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेके जा सकते हैं, केमिकल कोई भी केमिकल पाउडर आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं। अब आप बोल रहे हो कुछ काम से, या तो ऑफिस के पर्पज से या तो कंपनी के पर्पज से मुझे जो केमिकल है वो लेके जाना है, तो उसके लिए पहले आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, वहां उनकी जांच पड़ताल होगी आप कौन सा केमिकल लेके जा रहे हो, तब वहां पर आप केमिकल को ले जाना अलाउ करेंगे, तब आप वहां पर लेके जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ बता दूं, नेल कटर और नाइफ छुरी आप लेके नहीं जा सकते हो, कोई भी नुकीले पदार्थ आप वहां पे लेके नहीं जा सकते फ्लाइट में, कोई भी नुकीला पदार्थ जिससे किसी की जान लिया जा सकता है वो कोई चीज ऐसा नहीं लेके जा सकते हो, कांच तक की आप नहीं लेके जा सकते हो फ्लाइट में, ठीक है। अब नाइफ लेके जा सकते हो, नाइफ तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते, लेकिन जो यहां पर बता रहा हूं मैं, नेल कटर में बोलेंगे उसमें तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बता दूं नेल कटर में एक चक्कू होता है, एक नाइफ लगा होता है छोटा सा, अगर उसमें वो नाइफ लगा है तो आप बिल्कुल नहीं लेके जा सकते हो, अगर नाइफ नहीं लगा है तो आप लेके नेल कटर को जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर कोई भी आप लेके नहीं जा सकते हो, कोई भी स्क्रू ड्राइवर आप क्यों नहीं लेके जा सकते हो, क्योंकि फ्लाइट में ऐसी चीजें होती है जो आपको खोल कसने का काम कर सकते हो, उल्टा सीधा करने का काम कोई भी कर सकता है, इसलिए वहां पर स्क्रू ड्राइवर ले जाना मना, सख्त मना है।
ब्लीचिंग पाउडर, मैंने पहले बोला ब्लीचिंग पाउडर ये सब नहीं ले जाना है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आपको पता है, कपड़े धोने के काम में आता है, ये केमिकल एक तरह से केमिकल ही है। तो मैंने पहले ही बोला हूँ कि केमिकल कोई भी पदार्थ ले जाना अलाउड नहीं है दोस्तों वहाँ पे। अब बता देता हूँ, यहाँ पे नाइफ ब्लेड रिमोट वाली ट्वाइस, जो रिमोट से चलती है, जो बैटरी और रिमोट से जो ट्वाइस चलती है वो नहीं लेके जा सकते वहाँ पे। फ्लाइट में आप हैंड बैगेज में लेके नहीं जा सकते, हाँ वहाँ पे आप चेक इन बैगेज में उसको जरूर लेके जा सकते हैं, लेकिन हैंड बैगेज में आप वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। हैंड बैगेज में क्यों नहीं लेके जा सकते, आपको पता होगा फ्लाइट में बहुत कम जगह होती है, लेकिन आपको वहाँ बच्चे वहाँ पे चालू कर देंगे तो सबको प्रॉब्लम आ सकती है, या तो आप चालू करते हैं उसको जो रिमोट वाली गाड़ियाँ होती है तो सबको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप वहाँ पे लेके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब बता दूँ वहाँ पे कोई भी ऑयल और पानी लेके नहीं जा सकते। क्यों, वहां पे पानी लेके तो जा सकते, खाली बोतल ले लीजिए, जब आपका वेब चेकिंग हो जाए, सभी चेकिंग हो जाए आपका, तो वहां पे आप अंदर में जाकर पानी ले सकते हैं। लेकिन ऑयल जो होता है, ऑयल आप वहां पे लिमिट है, आपको 100 ml से ज्यादा ऑयल वहां पे लेके नहीं जा सकते। जा सकते हैं लेकिन 100 ml से ज्यादा नहीं लेके जा सकते, 100 ml तक ही ऑयल। ऐसा नहीं कि आप 5 बोतल रखे और सब में 100 ml डाल दो, ऐसा नहीं, 100 ml तक अलाउ है। हाँ हो सकता है कभी कभी अलाउ कर देंगे, लेकिन ये रूल्स के हिसाब से बोलूं तो 100 ml ही जो ऑयल है, कोई भी जो केमिकल केमिकल बोल रहा हूँ, ऑयल कोई भी होता है, कोई टाइप का भी ऑयल हो, या तो सर में लगाने वाला, तो खाने वाला कोई भी ऑयल हो, वहां पे आपको 100 ml ले जाने के लिए अलाउ है। ठीक है, अब वहां पे बात कर लेते हैं, कुल्हाड़ी आप नहीं लेके जा सकते हो, ब्लेड नहीं लेके जा सकते हो, ट्रिमर नहीं लेके जा सकते हो। ट्रिमर अगर आपका उसमें अगर उसमें कोई ब्लेड नहीं है, कोई कैची ये सब नहीं निकला हुआ, तो आप इसको बिल्कुल लेके जा सकते हो, लेकिन ट्रिमर के लिए मुझे नहीं लगता कुछ है, आप ट्रिमर बिल्कुल लेके जा सकते हो वहाँ पे। ठीक है, गन बुलेट ये सब तो आपको पता है, ये सब तो बिल्कुल कहीं भी अलाउ नहीं है, तो यहाँ भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, किसी तरह के आप हथियार नहीं लेके जा सकते हो, नुकीले पदार्थ मैंने पहले ही बताया कि आप किसी तरह के इसमें नुकीले पदार्थ को नहीं लेके जा सकते हो। ज्वलनशील पदार्थ, आप जिस जो चीज़ जलने वाली है, जो जल सकती है, वो चीज़ आप नहीं ले, मतलब जल सकती है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ जल सकता है, मतलब ज्वलनशील कहीं भी आग लगने का जिसमें डर हो, वो आप लेके नहीं जा सकते हो फ्लाइट में, अपने इसमें जो हैंड बैगेज है उसमें आप लेके नहीं जा सकते हो। मार्शल आर्ट का सामान जो होता है, जो मारपीट करने का सामान होता है मार्शल आर्ट का, आपको पता होगा कि मार्शल आर्ट में क्या क्या आता है, तो वो सामान आप लेके नहीं जा सकते हो दोस्तों। अब आपको बता दूँ, फुटबॉल में पहले बोला था मैंने कि फुटबॉल में आप लेके जा सकते हो, लेकिन विदाउट हवा भरे हुए। तो देखिए, हवा भर के इसलिए नहीं ले जा सकते फुटबॉल में, क्यों बता दूं, फुटबॉल में अगर लेके जा रहे हैं वहाँ पे, अगर वहाँ पे उसमें हवा भरा हुआ फुटबॉल है, तो हो सकता है कि आप उस फुटबॉल में कोई भी ऐसी गैस लेके जा रहे हो जो हार्मफुल होता है, लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए फुटबॉल में आपको फुला हुआ नहीं लेके जा सकते, तो आप उसको हवा निकाल के बिल्कुल लेके जा सकते हो। तो मुझे समझ में आपको समझ में आ गया होगा कि आप फुटबॉल को क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसमें कुछ भी आप जो भी होता है, कोई भी गैसेस आप वहां पर भर सकते हैं, और कोई भी गैसेस वहां भरने के बाद, अरे नहीं भर सकते यार, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में तो यह है, गवर्नमेंट की नजर में हम लोग सभी क्रिमिनल ही हैं, तो वहां पे आप नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये अवॉइड करना होगा आपको, मतलब हवा निकाल के आप फुटबॉल को वहां पे लेके जा सकते हो। और एक बात और बता दूं आपको, टी शर्ट जो आप टी शर्ट पहन के जाते हो, वो भी आप टी शर्ट पहन के ऐसे अगर कभी चले गए जिसमें पॉलिटिकल कुछ इश्यू हो, धार्मिक इशू हो, मतलब कुछ धर्म से रिलेटेड हो, जो किसी को ठेस पहुंचाए, ऐसे आप टी शर्ट बिल्कुल मत पहने, हो सकता है आपको कभी कभी फाइन भरना पड़ जाएगा, आपको कहीं कहीं बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। तो ऐसे जो कमेंट्स होते हैं जो टी शर्ट पे, कुछ ऐसा टी शर्ट आप ना पहने धर्म और राजनीति के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से नहीं था, ये वीडियो में आगे भी आपको मिलेगी, ये वीडियो नेक्स्ट स्टेप भी आएगा कि आप जो बैगेज है, मतलब चेक इन बैगेज, तो चेक इन बैगेज में आप क्या लेके जा सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, चेक इन बैगेज में आप क्या नहीं लेके जा सकते उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्त, वीडियो पर बने रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जरूर जल्दी आने वाला था, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बस, वीडियो में इतना था, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर माई वीडियो, थैंक यू।